नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। बहादुर सैनिक लांस नायक हनुमान थप्पा कोप्पाड का निधन। सियाचिन में 6 दिन तक 35 फुट बर्फ के नीचे दबे रहने के बावजूद चमत्कारिक रूप से जीवित निकाले गए बहादुर सैनिक लांस नायक हनुमान थप्पा कोप्पाड का आज निधन हो गया। हनुमान थप्पा के निधन की खबर से पूरा देश शोक में डूब गया है और राजनेता से लेकर बॉलीवुड की हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि दे रही है। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज बताया, लांस नायक हनुमान थप्पा नहीं रहे। उन्होंने सुबह 11:45 पर अंतिम सांस ली। मद्रास रेजिमेंट के 33 वर्षीय सैनिक के परिवार में उनकी पत्नी महादेवी अशोक बिलेवल और 2 वर्ष की एक बेटी नेत्रा कोप्पाड है। हेडली का खुलासा, आत्मघाती हमलावर थी इशरत जहां। पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली ने एक अहम दावा करते हुए कहा कि गुजरात में वर्ष 2004 में हुई कथित फर्जी मुठभेड़ में मारी गई इशरत जहां वास्तव में लश्करे तैयबा आतंकवादी संगठन की एक आत्मघाती हमलावर थी। इस खुलासे से विवादास्पद मुठभेड़ को लेकर नया विवाद पैदा होने की संभावना है। हेडली ने अमेरिका से वीडियो लिंक के जरिए गवाही देते हुए मुंब्रा की 19 वर्षीय लड़की के बारे में खुलासा किया। जब विशेष सरकारी अभियोजक उज्जवल निकम ने हेडली से उस असफल अभियान के बारे में जिरह की जिसका जिक्र लश्कर कमांडर जकीउर रहमान लखवी ने उससे किया था, तो उसने इशरत का नाम लिया। बंद किया जा सकता है मोबाइल इंटरनेट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला लेते हुए गुजरात सरकार के विरोध में दायर की गई एक याचिका को खारिज कर कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोबाइल इंटरनेट को बंद किया जा सकता है। कोर्ट ने गुजरात सरकार के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें सरकार के पटेल आरक्षण आंदोलन या पाटीदार समाज के आरक्षण की मांग को लेकर चलाए गए आंदोलन के दौरान कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए मोबाइल सेवा और इंटरनेट सेवा को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। कोर्ट ने माना कि दंगे जैसे हालात में इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। सीरिया के गृहयुद्ध में 4,70,000 की मौत। सीरिया के गृहयुद्ध में पिछले 5 वर्ष में 4,00,000 लोगों की मौत हो गई और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में 70,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसमें साफ पानी का नहीं मिलना और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव भी शामिल है। सीरियन सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के अनुसार लड़ाई और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में सीरिया की आबादी के 11% लोग मौत के शिकार हुए। इस बीच तास की खबर के अनुसार रूस के विमानों ने 4 से 11 फरवरी के बीच सीरिया में 510 हवाई हमले किए। इन हमलों में आतंकवादियों के 1900 ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। केरल में सरकारी बसों का किराया 1 रुपया घटा। केरल सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हाल ही में आई गिरावट को देखते हुए सरकारी बसों का किराया 1 रुपया घटा दिया है। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार राज्य परिवहन निगम की आम बसों का न्यूनतम किराया अब 7 रुपए के बजाय 6 रुपए होगा। सरकार ने परिवहन मंत्री से कहा है कि वो निजी बस संचालकों से बात करके निजी बसों का किराया भी घटाने की कोशिश करें। आम सरकारी बसों का किराया घटाए जाने से राज्य सरकार को हर दिन 27,00,000 रुपए की हानि होगी। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।